नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। दोस्तों, जिंदगी में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, खुद को मोटिवेट करना। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, खुद को पैम्पर नहीं करेंगे, खुद को आगे ले जाना मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में सबसे ज्यादा सभी के जीवन में जो कमी होती है वो है मोटिवेशन की। पता नहीं होता जिंदगी को किधर लीड करना है। तो दोस्तों, जरूरी है आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप खुद को अपने आप को खुद से ही मोटिवेट करें, किसी पर निर्भर नहीं रहें कि कोई आकर आपको गाइड करे, कोई आपको मार्गदर्शन करे। क्योंकि आज के दौर में अर्जुन के लिए कृष्ण कोई नहीं बनने वाला। आज के दौर में आपको ही अर्जुन बनना है, आपको ही कृष्ण बनना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह उठते ही अच्छे विचार दिमाग में लाइए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को हीरो मानिए। यकीन मानिए, आप वही बन पाते हैं जो जैसा आप सोचते हैं, आप खुद को जैसा मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप कमजोर बनेंगे। विवेकानंद जी ने कहा है कि सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर मानना। उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति हीरो है। जब मैं हीरो कहता हूँ तो हीरो का मतलब ये नहीं होता कि आपका बॉडी कैसा है, आप गोरे हैं, काले हैं, आपके मसल्स अच्छे हैं या नहीं, आप क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, आपकी ज्वेलरी, ये सब नहीं। हीरो का मतलब होता है कि आप कैसे सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। दोस्तों, हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी में गुड लक बैड लक कुछ नहीं होता है, लक फैक्टर नहीं होता है। होता है तो अनट्रेंड माइंड और ट्रेंड माइंड। तो अपने दिमाग को, हमारे अपने मस्तिष्क को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। वो कैसे ट्रेंड करें, इसलिए जरूरी है कि आप वैसे चीजें देखिए, वैसे चीजें पढ़िए, उन लोगों से मिलिए जो आपकी जिंदगी को एक दिशा दे, एक डायरेक्शन दे। तो आप, मेरा जो मानना है कि मेरी खुद की भी जर्नी रही है, हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी होती है। मैं खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और पिछले 15 सालों में जो मेरी जर्नी रही है उसी का नतीजा आज ये है कि मैं आपके सामने, कैमरे के सामने खड़ा हूँ। मैं अपनी निजी जिंदगी में बाद में बात करूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि खुद को कैसे मोटिवेट कीजिए। तो सुबह उठते ही पहले खुद को पैम्पर कीजिए और खुद को हीरो मानिए, ये बहुत जरूरी है। सेकंड, वैसे लोगों को फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए या उनके मैसेज को रिप्लाई कीजिए, जिन्हें आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं अगर आप दूर रह रहे हैं तो, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल के कुछ लोग हो सकते हैं। उनसे बातें कीजिए, अच्छा लगेगा। या फिर अपना फेवरेट कोई गाना सुनिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, योगा कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं या थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करें। तो दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो रेस्ट ऑफ समय अच्छा होने की संभावना हो जाती है। दावा नहीं करता अच्छा हो बुरा हो आने वाला समय, लेकिन हाँ, अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, पहली बात तो कि अगर जिंदगी में आपको सफल होना है तो आपको डूअर बनना पड़ेगा, करने वाला, कर्म करने वाला, केवल बातें करने वाला नहीं। उससे पहले क्या है, ड्रीमर बनना है। आप ड्रीम देखेंगे तभी तो आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। उसके बाद ड्रीमर बनने के बाद डूअर बनिए, मतलब काम करने वाला। आपने कोई ड्रीम देखा, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। उसी तरह अपने जीवन में जो भी करना है, अगर पुलिस कर्मी बननी है, कुछ भी बनना है, तो उस क्षेत्र में जो जरूरत है, जिस जिन जिन काम की, उसे करना है। उसके बाद ही आप अचीवर बन पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि गुड लक बैड लक कुछ नहीं होता, सब थॉट प्रोसेस है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही कर पाएंगे। तो अपनी सोच को डायरेक्शन दीजिए, खुद को मैसेज दिया कीजिए कि आप ये, अपने दिमाग को, कि आप ये सोचें ये ना सोचें। क्योंकि जो नकारात्मक सोचते हैं, जिनको लगता है ये नहीं हो पाएगा, उनकी ज़िंदगी में सच में कुछ नहीं हो पाता। लेकिन जो पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी, हर चीज में पॉसिबिलिटी देखता है, लेटर और सुनो, वही सक्सेसफुल बनता है। तो दोस्तों, जरूरी है कि आप अपने दिमाग को ट्रेंड कीजिए। ट्रेंड तभी होगा कि आप दिमाग को क्या खिलाते हैं, क्या फीड करते हैं। तो अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी बातें कीजिए। बहुत सिंपल फंडा है खुद को मोटिवेट करने का। तो दोस्तों, आज का मेरा फंडा यही रहा कि दिमाग को क्या खिलाते हैं आप, क्या फीड करते हैं, सारा दिन आप किन लोगों से मिलते हैं, कैसी बातें करते हैं, यही सब डिसाइड करता है कि आने वाला कल कैसा होगा। देयर इज नो एज सच लक फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आज का दिन आप कैसे बिताते हैं, वही उसी का रिफ्लेक्शन कल होता है। आज आप गुंडे बदमाश से मिलिएगा,
तो कल आप खुद को जेल में पाइएगा। आज अगर संत और अच्छे लोगों से मिलते हैं तो कल आप सफल भी हो सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा सकता है। तो दोस्तों आज का लेसन यही रहा कि दिमाग को सही चीज़ें खिलाइए, फीड कीजिए, जितना जितनी अच्छी चीज़ें हो सके, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी बातें कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ लाऊंगा। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए ताकि आपसे भी मुझे सीखने का मौका मिले और इंटरेक्शन हो, ताकि आपके कमेंट पे मैं रिप्लाई कर सकूं। और दोस्तों बेल आइकन बटन को ना दबाना ना भूलिए, उसको जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।